Good morning everyone, how are you all? Okay, so in this video I'm going to solve exercise sheet number 10 in English 1, that is prepositions. Okay, so let us see. First is circle the prepositions and then write what they tell us, place, time or moment. So here what we are going to do, whatever prepositions are there, we are going to circle them. Okay, and after that, if it will be shown us the place, then we will be writing here place only. If it will be shown us time, then it will write time or just the same as the moment only. Okay, so let us see that only. First is the sky is above us. Okay, so here what is the preposition beta? Above. So first of all we are going to circle it only. Okay, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा सर्कल किया है. इफ यू वॉन्ट टू अंडरलाइन दैट इन द नोटबुक यू कैन डू सो. ओके, एंड वॉट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन इज अबव? अबव क्या सजेस्ट करता है बेटा? सो इट सजेस्ट अस द प्लेस ओनली. सो वी आर गोइंग टू राइट प्लेस ओनली, पी एल ए सी ई, प्लेस. नाउ सेकेंड, आई सिट बिटवीन जय एंड करण. सो हियर वॉट इज द प्रेपोजिशन? बिटवीन. ओके, तो आई एम गोइंग टू सर्कल इट ओनली. एंड वॉट इट शोज? प्लेस, टाइम और मूवमेंट. सो बिटवीन का मतलब बीच में बैठे हुए हैं ना, सो इट शोज अस प्लेस ओनली. ओके, सो इट शोज अस प्लेस. एंड ओके, सो इट इज डन. नाउ थर्ड नंबर, आई प्ले आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क. मतलब मैं अपना होमवर्क करने के बाद ही खेलती हूँ. ओके, सो आफ्टर इज द प्रेपोजिशन ओनली. सो हियर आई हैव सर्कल्ड इट ओनली. एंड वॉट इट शोज अस? सो आफ्टर मतलब उसके बाद में. सो इसके बाद में इट शोज अस द टाइम ओनली. सो आई एम गोइंग टू राइट टाइम हियर. ओके, मिस्टेकनली आई हैव रिटन द, वी कैन से दैट कैपिटल लेटर ओनली. नो डाउट इट शुड बी इन कैपिटल, बट द थिंग इज दैट इट शुड बी इन कर्सिव ओनली. ओके, सो कर्सिव में लिख देना आप ये टी. नाउ फोर्थ इज, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM. मतलब मैं 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ. सो वट इज द प्रेपोजिशन हियर? एट इज द प्रेपोजिशन. ओके, सो आई एम गोइंग टू सर्कल इट ओनली. एंड वट इट शोज अस? इट ऑल्सो शोज अस टाइम. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट टाइम. ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया बेटा, बट टी शुड बी दिस वे. इट इज इन, इट शुड बी इन कर्सिव ओनली. ओके, नाउ फिफ्थ इज, 10 frogs जम्प्ड ओवर द बस. सॉरी, ओवर द लॉग. सो सॉरी, ओवर द लॉग. लॉग मतलब 10 जो फ्रॉग थे वो लॉग के ऊपर, लॉग मतलब यहाँ पे लकड़ा. ओके, लकड़ा और लकड़ी, उसके ऊपर से जंप कर गए. सो ओवर इज ऑल्सो द प्रेपोजिशन. ओके, सो आई एम गोइंग टू सर्कल इट ओनली. नाउ वॉट इट शोज अस? प्लेस, टाइम और मूवमेंट. सो हियर आई हैव शोन इन द वीडियो दैट वेन वी कैन यूज ओवर. इफ समथिंग इज इन मूवमेंट, ओके, जब कोई चीज हिल रही होती है, मीन्स इफ इट इज चेंजिंग इट्स प्लेस, मीन्स इफ इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन दैट टाइप वी कैन यूज ओवर. जैसे मैंने एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, द एरोप्लेन इज अबव अस, बट इफ एरोप्लेन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, देन इट विल बी over to you only. So here also over is there. So over shows us the movement. Okay, so I'm going to write movement over here. M should be capital. MOVEMENT. Okay, movement. The same spelling has been given here also. So you can copy from there also. Now, sixth is, the penguin dived into the sea. So here what is the preposition? Easy. That is into. Okay, and into also shows you into the sea, मतलब वो सी में चला गया. सो इट सी में गया, मतलब वो सी क्या है? इट्स अ प्लेस ओनली. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट प्लेस. ओके, पी एल ए सी ई, प्लेस. नो डाउट इट ऑल्सो शोज यू द मूवमेंट. ओके, मूवमेंट भी दिखाता है बिकॉज इंटू द सी. सो इंटू शोज यू द मूवमेंट ऑल्सो. सो येस, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द मूवमेंट प्रेपोजिशन. सो इफ यू वॉन्ट टू राइट मूवमेंट, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ बेटा, दोनों करेक्ट है. देखो, इंटू द सी इट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इंटू द मूवमेंट इट इज, मतलब इंटू ऑल्सो शोज यू द मूवमेंट. सो हियर इंटू शोज इट बोथ द थिंग. ओके, सो यहाँ पे अगर इफ यू राइट मूवमेंट, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नाउ सेवेंथ इज, आई क्लाइम्ब इन थ्रू द विंडो. ओके, आई क्लाइम्ब इन थ्रू द विंडो. सो हियर, यहां पे मैं अंदर गया थ्रू द विंडो. सो यहां पे देखो, यू विल से मैम इन इज द प्रेपोजिशन, बट हियर इन हैज नॉट बीन मेंशनड एज द प्रेपोजिशन. इन हैज बीन मेंशनड एज द प्लेस ओनली, कि मैं अंदर गया. आई क्लाइम्ब इन,
ओके आई क्लाइम्ब्ड इन हियर नो प्लेस इज देयर मीन्स आपको स्टिप्यूट मतलब पर्टिकुलरली द प्लेस हैज नॉट बीन मेंशनड बट यू हैव टू इमेजिन दैट इन इन इज समवेयर अ प्लेस मतलब कोई प्लेस है तो यहां पे इन इज नॉट द प्रेपोजिशन बट थ्रू इज द प्रेपोजिशन कैसे गए आप अंदर थ्रू द विंडो ओके सो थ्रू आई एम गोइंग टू सर्कल और ये थ्रू आई हैव नॉट एक्सप्लेन इन द वीडियो बिकॉज वेरी वेल आई हैव एक्सप्लेन इन दैट जूम लेक्चर जूम में मैंने बताया था कि थ्रू कैसे होता है इवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू कैन सी दैट दैट क्लाउन इज लाइक जंपिंग थ्रू द रिंग ओनली सो दैट इज कॉल्ड थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में से पास होना ओके दैट इज कॉल्ड थ्रू सो हियर थ्रू शोज यू द मूवमेंट ओके वो भी आपको मूवमेंट दिखाता है M should be capital M O V E M E N T movement. There is a large store near my house. So here it is very easy that near is the preposition. So I am going to circle it only near and near shows you the place only. So I am going to write place here. Okay? Chalo. So let us move to the next exercise. Question number 2. Fill in the blanks with correct preposition given in the bracket. So here you have to choose or you have to opt for the correct preposition. Now Mary was sitting dash a tree. Between a tree or under a tree? So obviously she will be sitting under a tree only. Between a tree hota to do cheeje hoti ya do nouns hota. But as it is only one noun then it will be under only. U-N-D-E-R under. Now, I have a friend who lives dash Spain. ये Spain लिखा हुआ है हाँ बेटा S-P-A-I-N Spain. मतलब मेरा एक friend है जो Spain में रहता है. So, in Spain or into Spain? So, in Spain आएगा बेटा because no movement is there. यहाँ पे कोई movement नहीं है. Otherwise, we would have written into. Now, third number, there are trees dash the river. Now, beside the river or in the river? Now, beside का मतलब होता है बाजू में. और ऑन द रिवर तो देखो इट इज ऑब्वियस दैट द ट्रीज कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन द रिवर रिवर के ऊपर तो ट्रीज कैसे ग्रो करेगा सो ऑब्वियसली इट विल बी बिसाइड बिसाइड का मतलब बाजू में ओके दीज आर द इजिएस्ट प्रेपोजिशन सो आई हैव नॉट टेकन इट इन द वीडियो नाउ मैरी एंड जिया वर हाइडिंग डैश द वॉर्डरोब सो इनसाइड द वॉर्डरोब और अंडर द वॉर्डरोब सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू हाइड अंडर द वॉर्डरोब इतने बड़े वॉर्डरोब के नीचे कैसे जाके छुपेंगे क्योंकि जगह नहीं होती है बिल्कुल सो यस इट इज इनसाइड इनसाइड का मतलब होता है अंदर अंदर की तरफ ऐसे इनसाइड Now the dog is dash of the man in or in front of. So in the man cannot be possible. Okay, man ke andar to dog ghus nahi sakta. So it is obvious that it is in front of. Ke samne, in front of. Theek hai? I have explained the same in the video. Now the bone is dash the two dogs. Here also dekho two things have been given. Maine bola tha whenever the two nouns will be given to you, obviously you have to write between. Okay, so here between will be there. The bone is between the two dogs. Matlab do dogs ke beech mein bone. Bone ka matlab hota hai haddi. Okay, to dono ke beech mein hai. So B-E-T-W-E-E-N between. Okay. चलो वी स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग डैश होम सो ऑन होम कैन नॉट बी पॉसिबल घर के ऊपर तो नहीं पॉसिबल है सो एट होम एट ऑल्सो शोज यू द टाइम और प्लेस हियर इट इज शोइंग यू द प्लेस ओनली ओके सो देखो मैनी प्रेपोजिशंस आर देयर आफ्टर रीडिंग द होल सेंटेंस यू विल कम टू नो दैट दे आर शोइंग यू द प्लेस और टाइम सो यू हैव टू बी अलर्ट इनफ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर दे आर शोइंग यू द प्लेस और वेदर दे आर शोइंग यू द टाइम सो हियर इट इज शोइंग यू प्लेस ओनली दैट वी स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग एट होम मतलब हमने घर पे एट होम मीन्स घर पे एक बहुत अच्छी क्वाइट मतलब शांति वाली शाम गुजारी ठीक है नाउ नंबर 8 शी लुक्स एट हर सेल्फ डैश द मिरर सो इन द मिरर और बिसाइड द मिरर सो हियर ऑब्वियसली इन द मिरर हम मिरर के अंदर दिखते हैं बिसाइड मतलब बाजू में नहीं दिखते हैं ठीक है तो उसने अंदर देखा नाउ नंबर 9 डेथ वैली इज 86 मीटर्स डैश सी लेवल सो डेथ वैली इज अ प्लेस ओनली ओके एंड इट इज 86 मीटर्स Between sea level. Between sea level cannot be possible because whenever we are writing between, we should be having two things. मतलब हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है So obviously below will be there. Below का मतलब नीचे B-E-L-O-W. Below sea level. ठीक है Now, we walked dash the bus stop.
so towards or in. So in the bus stop cannot be possible towards. While explaining the same thing, I have said that towards is also like I was saying like I am moving towards the another prepositions. So it means मैं दूसरे prepositions की तरफ जा रही हूँ. So towards means के तरफ. Okay, so here towards will be there. Okay, चलो. Now let us move to the next page. चलो ना क्वेश्चन नंबर 3 अंडरलाइन द प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सो द सेम एक्सरसाइज वी हैव सॉल्वड इन जूम. ओके सो द सेम वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ दैट वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द प्रपोजिशंस ओनली. फर्स्ट इज आई गेट आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. सो हियर व्हाट इज द प्रपोजिशन बेटा, इट इज इन ओनली. ओके सो आई हैव अंडरलाइंड इट. आई वेंट इन टू माई क्लास रूम, इट वॉज नियर द प्रिंसिपल्स ऑफिस. सो आई वेंट इन टू माई क्लास रूम, सो इन टू इज द प्रपोजिशन एंड इट वॉज नियर द प्रिंसिपल्स ऑफिस. सो नियर इज ऑल्सो द प्रपोजिशन. ओके नाउ थर्ड इज देन वी सीट अंडर अ ट्री एंड ग्रैंड फादर टेल्स मी अ स्टोरी. सो हियर ओनली वन प्रपोजिशन इज दैट इज अंडर. ओके नाउ फोर्थ इज After school, I help grandfather in the garden. So, after is also the preposition. Okay. And here, I help grandfather in the kitchen. So, in the garden. So, in is also the preposition. Now, after I get ready, I went to school. So, after is here a preposition. And at the time of Zoom explanation, I have told you that to is also a preposition only. Went to school. To is a place kind of preposition. ठीक है कि मैं कहाँ गया, स्कूल पे गया. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया और स्कूल पे गया. सो बोथ आर द करेक्ट थिंग ओनली. ओके सो टू इज ऑल्सो द प्रपोजिशन. वी एन्जॉय आवर सेल्व्स थ्रू आउट द लंच ब्रेक. सो हियर थ्रू आउट इज द प्रपोजिशन. ये मैंने एक्सप्लेन करना रह गया था. मतलब पूरे लंच ब्रेक को हमने एन्जॉय किया थ्रू आउट द लंच ब्रेक. ओके सो हियर थ्रू इज ऑल्सो द प्रपोजिशन एंड थ्रू आउट इज ऑल्सो द प्रपोजिशन. Okay, now let us move to question number 4. Make sentences by using the following prepositions. Okay, so here as you know that we are going to make the sentences by using these prepositions only. Now question number 1 is on. There is a vase on the table. So I'm going to write it only. There is a vase on the टेबल. मतलब टेबल के ऊपर एक वास रखा है. फ्लावर वास ऑल्सो यू कैन, इफ यू वॉन्ट टू राइट फ्लावर वास देन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इवन यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो. ओके बट यू नो दैट ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑल्सो. नाउ सेकेंड इज इन, वी लिव इन अहमदाबाद. ओके आई हैव रिटन दिस सेंटेंस. इफ यू वॉन्ट टू राइट डिफरेंट यू कैन, वी लिव इन अहमदाबाद. ओके राइट द स्पेलिंग प्लीज करेक्टली. नाउ बिटवीन, पुट योर हेड डाउन बिटवीन योर नीज. ठीक है ये मैंने बनाया है. पुट योर हेड डाउन बिटवीन योर knees. Okay, in other words she is asking or he is asking you to become an murga only. ठीक है ना, जैसे स्कूल में वो मुर्गा बनाते हैं ना, अपना हेड दोनों के दोनों नीज के बीच में डाल के खड़ा रहना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड ओनली, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, पुट योर हेड डाउन बिटवीन योर नीज. ओके नाउ नियर, वी लिव नियर द सी. ओके आई एम राइटिंग द सेंटेंस, वी लिव नियर द सी. हम सी के पास में रहते हैं. ठीक है, अंडर, दे सैट अंडर अ ट्री, दे सैट अंडर अ ट्री. ओके चलो वो ट्री के नीचे बैठे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. सो हियर यू कैन सी दैट यू आर गोइंग टू अरेंज द वर्ड्स ओनली फॉर मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द आर्म चेयर ऑन कैट इज द. सो हियर द आंसर विल बी द कैट इज ऑन द आर्म चेयर. ओके लेट मी राइट द सेंटेंस एंड देन आई बी एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग. द टी शुड बी कैपिटल. द कैट इज on the armchair. Now everyone listen to me, you are listening to our sentences, to our words a lot of time. Okay, so it is an easiest technique only, that
how you can make a meaningful sentence out of this. So first of all, you have to see at the articles only. Ki the hai yahan pe yes, to a hai ya nahi hai, an hai to nahi hai. Then you have to check or you have to speak the words again and again. The armchair on cat is the. The armchair on cat is the. So you'll got to realize that, okay, here we are talking about the cat who is sitting on the armchair only. Okay, or who is on the armchair only. So aap is tarah se bhi you can make the sentence. Dekho, this things can be done through the practice only. Agar aap jaldi se zyada aise sentences practice karoge, bologe, samjhoge, then only you are able to solve these kind of exercises. Okay? Now second is under mouse the is armchair the. Under mouse the is armchair the. Means yahan pe aisa bolne ki try kar rahe ki armchair ke niche ek mouse baitha hua hai. Theek hai? So you can write it like the mouse is under the armchair. Okay? The mouse is under the armchair. Armchair मतलब वो आराम वाली कुर्सी नहीं आती है, that is called armchair. Okay, so here also. And yes, it is a very good practice. Like after writing the sentence, the whole sentence, just count the words. Like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 are there or not, just check it. 1, 2, 3, 4, 5, 6 means we have utilized each and every word for making a sentence. That is also very important. Like whenever you are making these sentences, you have to check that whatever words are there, with the help of them only you have made the sentence or not. Agar aap ek bhi zyada likhoge ya kam likhoge, then it will be wrong only. Okay, so please be careful. Now third is salt putting soup the into his grandmother. Salt putting soup the into his grandmother. So yahan pe shayad grandmother jo hai wo soup mein सॉल्ट डाल रही है ना. तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मदर एंड नो आर्टिकल इज देयर. और अगर आप आगे आर्टिकल रखना चाहो इट इज ओके. अगर आप सूप के बाजू में रखना चाहो इट इज ऑल्सो ओके. सो आई बी राइटिंग लाइक ग्रैंड मदर इज पुटिंग सॉल्ट into the soup. That is also correct. अगर आप ऐसे लिखते हो the grandmother is putting salt into soup, that is also correct. अगर आप ऐसे लिखोगे grandmother is putting the salt into soup, that is also correct. Okay, because here three nouns are there, so before these three nouns whenever you can put the article the. Okay, now fourth is tree is the against the ladder. मतलब ट्री इज द अगेंस्ट द लैडर. ओके, अभी लैडर के अगेंस्ट में ट्री तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली लैडर जो है वो ट्री के सामने है. ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट द लैडर इज अगेंस्ट द ट्री. ओके, द दोनों बार दिया है, सो बिफोर बोथ द नाउन्स वी आर गोइंग टू एड द. सो द लैडर इज द लैडर इज अगेंस्ट the tree. और ये against भी मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, watch the video once. Okay, fifth number, drop garage car the into he the. Drop garage car the into he the. मतलब यहाँ पे जो he है वो शायद कार को ड्राइव करके ड्रॉप करके गैरेज के अंदर लेके गया है. ओके, सो ही ड्रॉप द कार इन टू द गैरेज. ओके, दिस वे ही शुड बी कैपिटल. ही ड्रॉप the car into the garage or garage, both the pronunciation are correct. Okay, he drove the car into the garage. Now sixth number, I towards shop the ran ice cream. Okay, again read it. I towards shop the ran ice cream. Or you can say that यहाँ पे जो I है वो ice cream के shop की तरफ दौड़ता जा रहा है. Okay, so I ran towards the ice cream shop. Because here subject is I ran towards the ice cream shop. First stop. Okay, चलो let us move to the next one, that is seventh. Kept the is book two between the magazines. Okay, again read it. Kept the is book two between the magazines means magazines के बीच में book को रखो.
ओके ऐसा बोल रहा है ना, मैगजीन्स के बुक सॉरी जो बुक है वो दोनों मैगजीन्स के बीच में रखी हुई है. ओके क्योंकि कैप्ट हैज बिन गिवन, अगर कीप देते ना तो हम इसको ऑर्डर बना देते, बट एज इट इज कैप्ट मीन्स यहाँ पे ऐसे बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि जो बुक है वो दोनों मैगजीन्स के बीच में रखी हुई है. सो द बुक इज कैप्ट बिटवीन द मैगजीन्स. ओके द शुड बी टी शुड बी कैपिटल. द बुक इज कैप्ट बिटवीन द मैगजीन्स. ओके फुल स्टॉप. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके सो इट इज क्वाइट अ लॉन्ग एक्सरसाइज शीट. नंबर 8 इज पान नियर द कैप्ट कप्स द. ओके पान नहीं सो सॉरी पैन, पैन जो पैन होता है ना जहां पे जिसमें खाना बनता है. यस इज पैन नियर द कैप्ट कप्स द मीन्स यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो पैन रखा हुआ है वो कप्स के पास में रखा हुआ है. सो लेट मी राइट द सेंटेंस. द पैन इज कैप्ट नियर द कप्स. ओके द पैन इज कैप्ट नियर द कप्स. ओके नाउ बस डोंट ऑफ द जंप. मतलब बस डोंट ऑफ द जंप मतलब जंप बस में से जंप मत करो. ओके सो डोंट जंप ऑफ द बस. डी शुड बी कैपिटल. डोंट जंप ऑफ हियर टू ओ मतलब एफ आर देयर डबल एफ आर देयर. डोंट जंप ऑफ द बस एंड फुल स्टॉप. ओके नाउ आई हैड टू वेंट प्ले आउट 4 o'clock मीन्स आई वेंट आउट टू प्ले एट 4 o'clock. मैं बाहर 4 बजे खेलने के लिए गया या गई. ओके सो आई शुड बी कैपिटल. वेंट आउट टू प्ले एट 4 o'clock. ओके चलो नाउ हियर वन पिक्चर हैज बीन गिवन टू यू. यहाँ पे आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ इट. ओके क्वेश्चन नंबर 6 इट इज. सो हियर यू कैन सी दैट सम वन पिक्चर आई हैव पेस्टेड. ओके सम ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर एंड यू हैव टू यूज द प्रेपोजिशंस फॉर दैट ओनली. नाउ फर्स्ट इज द बॉल इज डैश द टेबल. पहले तो ढूंढो बॉल कहाँ पे, ये रहा. और टेबल के कहाँ है वो, नीचे. सो वी आर गोइंग टू राइट अंडर. अंडर मीन्स नीचे. सो द बॉल इज अंडर द टेबल. नाउ द एपल इज डैश द बेड. ये रहा बेड और ये रहा एप्पल. तो एप्पल तो बेड के ऊपर है. सो ऊपर मीन्स एंड द सर्फेस ऑफ द एप्पल इज टचिंग द सर्फेस ऑफ द बेड. सो वेन द टू सर्फेसिस आर टचिंग ईच अदर देन दैट टाइम वी कैन यूज ऑन ओनली ओ एन ऑन द बेड. ओके नाउ थर्ड नंबर द क्लॉक इज डैश द बेड. पहले तो देखो क्लॉक कहाँ है, ये रहा और बेड के ऊपर है ना. ऊपर का मतलब ऑन भी होता है बट आई हैव टॉट यू दैट वेन एवर द सर्फेसिस ऑफ बोथ द थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर. ऊपर है लेकिन दोनों देखो सर्फेस टच कर रहा है नहीं कर रहा है. सो दैट टाइम वी कैन नॉट यूज ऑन, दैट टाइम वी हैव टू यूज अबव. ओके सो हियर अबव शुड बी देयर. ए बी ओ वी ई अबव द बेड. ओके Now, the dog is dash of the table. Now, here dog is here. Okay, and table. Table के कहाँ पे है? So, in front of. यहाँ पे देखो of has already been given. वैसे तो हम near भी लिख सकते थे but near of the table cannot be go because of has been mentioned here. So, we have to write in front of. Okay, in front and of here has been already written. So, we are not going to write it again. Okay, now. The laptop is dash the painting. Now, laptop कहाँ पे है बेटा, देखो ये रहा laptop. और वो painting के कहाँ पे है, So, here it is near the painting only. Okay? चलो तो near the painting लिख देंगे हम लोग. Now, 6th number, the pencil is dash the dog. ये रही pencil और ये इसके बाजू, ये रही pencil और उसके बाजू में dog. Okay? So, here the pencil is वी कैन राइट इट बिसाइड द डॉग. वो बिल्कुल बाजू में पड़ी हुई है. ओके सो हियर नियर इज ऑल्सो करेक्ट, नो डाउट. नियर कुछ गलत नहीं है. इफ यू राइट नियर देन इट इज ऑल्सो करेक्ट बट आई विल राइट बिसाइड ओनली. ओके बिसाइड द डॉग, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में.
Now, the kite is dash the clock and the painting. So, here also two things have been given. So, whenever two nouns have been given, so आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आता है. Whenever two nouns are there, it means it is between. So, let us find the kite. The kite is between the clock and the painting. Okay, so between will go. Okay, now the bat is dash the bed. ये bat रहा, ये bed रहा. ठीक है, तो bed के नीचे है bat. So, we'll write under the bed only. ओके नाउ नंबर 9 देर इज अ विंडो डैश द रूम. ओके सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देर इज अ विंडो डैश द रूम. तो देख लो जो विंडो है वो रूम के अंदर ही है. ओके दिस इज अ होल रूम ओनली एंड देर इज अ विंडो. सो वी कैन राइट इट लाइक देर इज अ विंडो इन द रूम. ओके एंड नंबर 10 इज द बुक इज डैश द लैपटॉप. सो हियर वेर इज अ बुक बेटा, तो ये रहा लैपटॉप, ये रही बुक. सो हियर यू कैन ऑल्सो राइट बिसाइड द लैपटॉप एंड इवन यू कैन राइट नियर ऑल्सो. तो एक टाइम हमने बिसाइड लिखा था ना, अभी हम लोग लिखेंगे नियर द लैपटॉप. द बुक इज नियर द लैपटॉप, द बुक इज बिसाइड द लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके सो हियर आई हैव एंडेड विद द एक्सरसाइज शीट. आई होप नो डाउट्स विल बी देयर, बट इफ दे विल बी देयर आई एम like here to solve it only in the Zoom lectures. Okay, chalo, write it once in the notebook. Bye bye.